वेलकम टू माई चैनल क्लीनर आज हम बनाना सीखेंगे ये क्यूट सा रॉम्पर जो कि न्यूबॉर्न से लेकर छः आठ महीने तक के बच्चे को आ जाएगा जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि हेल्थ के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है ठीक है ये केबल पैटर्न है केबल रॉम्पर है तो स्टिच पैटर्न के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा तो आप पहले केबल की आप प्रैक्टिस कर लें ये शुरू करने से पहले बहुत जरूरी है तो ये टॉप डाउन यहाँ पे हमने ये रॉम्पर बनाया है तो उसके लिए हम थोड़ा सा रफ वर्क में आपको बता दूं मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी यहाँ से थोड़ा सा रफ वर्क बता दूं कि मैंने फंदे कौन से पार्ट के लिए कितने उठाए हैं बटन बैंड के लिए मैंने छह फंदे डाले हैं फ्रंट पार्ट के लिए चौदह चौदह फंदे लिए हैं बीच में ये जो दो आप देख रहे हैं ना ये दो दो स्टिचेस वो हमने सेपरेशन वाले पार्ट के लिए रखे हैं कि हम जहाँ पे मार्कर डाल के डिवाइड करेंगे सेपरेट करके जहां से इंक्रीजिंग फंदे बढ़ाने शुरू होते हैं हम करते हैं अब स्लीव्स बाजू के लिए छह फंदे इधर छह फंदे इधर स्लीव्स के लिए डाले हैं और 18 फंदे हमने बैक पार्ट के लिए रखे। चीज़ें जो हमें चाहिए इस रॉम्पर के लिए वो ऊन है थ्री प्लाई तक ऊन आप ले सकते हैं या अगर कोई भी आपके पास ऊन हो तो आप यूज़ कर सकते हैं नाप जो मैं बताती जाऊँगी आप वो फॉलो कीजिएगा 5 एम mm एम निडल हैं बट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको कहा नाप आप मैं आपको बताऊंगी फॉलो करिएगा नाप के लिए आपके पास इंच टेप होनी चाहिए आपके पास कैंी होनी चाहिए टपेस्ट्री नेडल होनी चाहिए वेवन के लिए और सीने के लिए अगर आप जैसे कि मैं बुनती हूँ केबल नेडल के बगैर ही बुन लेती हूँ केबल्स बट आ, जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैं एक ट्विस्ट केबल नेडल के साथ भी आपको करके बताऊंगी तो आपने घबराना नहीं है अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आपको इसके बगैर भी केबल ट्विस्ट देना बताऊंगी मैंने जैसे कि आपको कहा कि केबल uh, वाला पैटर्न मैंने पहले ही सिखाया हुआ है तो पहले उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा मैंने दोनों सिखाए हुए हैं केबल के साथ और केबल के बग़ैर तो परेशानी की बिल्कुल बात नहीं है ये पैटर्न सुपर इजी है जैसे मैंने आपको कहा और ये इस तरह के दो धागे ले लें ताकि जो बाजू के फंदे होंगे ना हम साइड पे रखेंगे तो आपके पास अगर इफ़ यू डोंट हैव स्टिच होल्डर्स आपके पास स्टिच होल्डर नहीं है तो फिर आप धागे पे डाल सकते हैं Uh, बाजू के जो फंदे हैं स्टिचेस उसके अलावा आपको स्टिच मार्कर्स uh, चाहिए वो इसलिए क्योंकि हम जब डिवाइड करेंगे पार्ट्स बाजू का और ये सब फंदे इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो वो लगाएंगे और अगर आपके पास इस तरह के स्टिच मार्कर या कोई भी स्टिच मार्कर नहीं है तो आप बेशक बस इस तरह का लूप बना लें इफ़ यू डोंट हैव दीज मार्कर्स यू जस्ट मेक लूप लूप्स लाइक दिस यू विल नीड टेन लूप्स और स्टिच मार्कर्स दिस दस आपको चाहिए क्योंकि आठ स्टिचेज uh, हमें चाहिए जहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इनक्रीज uh, करेंगे और दो स्टिच मार्कर चाहिए जस्ट आ uh, uh, बाद में जब हम केबल के फंदे अलग करेंगे बारह वाले बारह फंदे क्योंकि ये बारह स्टिचज़ की केबल है तो उसको हम थोड़ा सा मार्क कर देंगे ताकि बिगनर्स को प्रॉब्लम ना हो सबसे पहले सारी चीज़ें बता दी मैं आपको जो चाहिए ठीक है सबसे पहले आपके पास जो भी नीडल है उससे आप फंदे कास्ट ऑन कर ले तो ब, मैंने आपको आ, पहले भी बताया हुआ है कि आप टॉप डाउन स्वेटर में फंदे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि अगर आपको बड़ी साइज़ बनानी है तो आप किस तरह इंक्रीजेस कर सकते हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो देख लीजिएगा अगर आपको और कोई भी साइज़ बनानी हो तो क्योंकि वो मस्ट है क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे लेडीज uh, uh, कहेंगी कि हमें बड़ी या छोटी साइज कुछ बनाना है तो वो आप देख लीजिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सबसे पहले कास्ट ऑन इस साइज के लिए ये जो uh, हम साइज बना रहे हैं हम पहले ये फंदे कास्ट ऑन करेंगे कास्ट ऑन के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं यू कैन यूज़ एनी मेथड फॉर कास्टिंग ऑन स्टिचेस इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस मेथड लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी कि आपने इस तरह इस साइज इस तरीके से आप फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं तो आप देख लीजिएगा अगर आपको नहीं आता तो दूसरा इस साइज के लिए हम सेवेंटी एट सत्तर और आठ फंदे इस पे हम कास्ट ऑन करेंगे इस सिलाई पे डालेंगे वो मैंने कैलकुलेशन उस हिसाब से की हुई है आपको जिस तरह मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है आप हर सेक्शन में फंदे बढ़ा सकते हैं बड़ी साइज के लिए तो हम यहाँ पे सेवनटी एट स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेते हैं उसके बाद फिर हम इसका नेक्स्ट जो है स्टेप करेंगे यहाँ पे मैंने सेवनटी एट स्टिचेस कास्ट ऑन कर ली हैं फंदे सिलाई डाल लिए हैं अब प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इसको काउंट आप जरूर कर लें अच्छे से क्योंकि हम डिवाइड कर रहे होते हैं और फिर प्रॉब्लम कि हमारे लिए आगे तो आप अभी स्टिच मार्कर भी आगे कर लें अब रो वन पहली सिलाई ठीक है ये वाला धागा आप इसका इस तरह से लूप बना ले ठीक है ताकि गलती से आप उसके साथ ना लें अब रो वन पहली सिलाई आपने बारह फंदे सीधे सीधे बुनने हैं नेट ट्वेल्व स्टिचेस फर्स्ट बारह फंदे सीधे सीधे बुनेंगे दिस इज रो वन रॉन्ग साइड नेट ट्वेल्व स्टिचेस बारह फंदे दो चार छः, आठ दस बारह बारह फंदे हमने यहाँ पे बुने अब धागा आगे करेंगे और आठ फंदे ऐट स्टिचेस उल्टे बुनेंगे पर्ल एट स्टिचेस नेट ट्वेल्व स्टिचेस देन पर्ल एट स्टिचेस ये जो आठ फंदे मैं उल्टे बुन रही हूँ ये मैं इसलिए बुन रही हूँ क्योंकि ये मैं केबल uh, के लिए रखूँगी हम इनक्रीजेज करते जाएंगे फंदे जब पारा होते जाएंगे तो उसके बाद हम मार्क करेंगे अभी केबल के लिए अभी मार्क नहीं करेंगे पहले बारह फंदे जब इंक्रीज कर कर के बढ़ा बढ़ा के बारह फंदे हो जाएंगे तब हम उसको मार्क करेंगे और साथ में आ, सिर्फ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि केबल वाला पार्ट जो होगा उसके लिए हम इसी तरह उल्टे फंदे रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे और राइट साइड से सीधे बुनेंगे क्योंकि वो जो केबल होगी वो होगी नेट uh, स्टिच में अब हम मार्कर डालेंगे यहाँ पे दो चार छ आठ दस बारह नेट ट्वेल्व दो चार छ सात आठ एट पर्ल एट आठ अब प्लीज़ मार्कर मार्कर डालेंगे और दूसरा जो ये हम बीच में दो फंदे रखेंगे और इस तरफ से भी मारकर उस तरफ से भी मारकर जिससे पहले और बाद में हमने फंदा इंक्रीज करना है बढ़ाना है वो भी दो फंदे स्टॉकनेट स्टिच में होंगे स्टॉकनेट स्टिच का मतलब मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि स्टॉकनेट स्टिच मतलब रॉन्ग साइड से हम फंदे उल्टे बुनते हैं और राइट साइड से हम सीधे बुनते हैं तो ये जो बीच में दो फंदे हैं वो भी उल्टे जाएंगे रॉन्ग साइड से अब हम फिर से एक मार्कर प्लेस करेंगे अभी हम सिर्फ मार्कर प्लेस कर रहे हैं हमने इनक्रीज अभी नहीं कर रहे वो दूसरी स्लाइड पे करेंगे राइट नाउ वी विल जस्ट पुट मार्कर्स वी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम नेक्स्ट रो अच्छा दो फंदे हो गए बीच में मार्कर प्लेस कर दिए है अब निट सिक्स छः फंदे अब सीधे सीधे बुनेंगे ये हम डिवाइड कर रहे हैं सारे पार्ट्स को फ्रंट के लिए बाजू के लिए बैक के लिए जैसे टॉप डाउन में होता है दो चार छ मैंने कोई दो दो तो नहीं तीन चार सिखाए हुए हैं टॉप डाउन स्वेटर मेरी वीडियोस में होंगे अभी दो चार स्टिचेस नाउ प्लेस मार्कर एंड टू टू स्टिचेस बिकॉज दीज टू मिडिल स्टिचेस हियर हियर दे विल बी इन स्टॉक स्टिच सो वी विल पॉल दम फ्रॉम रॉन्ग साइड एंड फ्राम राइट साइड नंट बैक सॉरी प्लेस मार्कर मार्कर अगेन धागा पीछे मार्कर हमने प्लेस किया बीच में ये दो फंदे हैं इससे पहले और बाद में हमने इंक्रीज करना होता है अभी मैं वो रो भी आपको बताऊंगी अब नेट एटीन स्टिचेस अट्ठारह फंदे हम अब सीधे सीधे बुन लेंगे एटीन स्टिचेस बैक के लिए अट्ठारह फंदे अठारह फंदे हमने यहाँ पे सीधे सीधे बुन लिए अब आपने मार्कर प्लेस करना है फिर से क्योंकि ये बैक वाला पार्ट हो क्या मार्क किया हमने अब फ्रंट वा अब बाजू आएगा पहले दो फंदे बीच में हम उल्टे बुनेंगे यहाँ पे हम इंक्रीजेस करेंगे दोनों साइड से अब धागा पीछे निट सिक्स छह फंदे अब सीधे ठीक है छह फंदे ये बाजू वाले कैलकुलेशन मैंने आपको जैसे बताई हुई है और होप सो हो के आपने वो वीडियो पहले देखी होगी वॉच कैलकुलेशन वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन दैट हाउ टू इंक्रीज इन डिवाइड स्टिचेस फॉर टॉप डाउन स्वेटर इट्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन मस्ट वॉच बिफोर स्टार्टिंग दिस अब दो तीन चार पाँच छ दो चार छ हो गए अगेन प्लेस मार्कर यार्न फ्रंट मार्कर डाल के धागा आगे करेंगे क्योंकि अब फिर से दो बीच वाले फंदे आ रहे हैं ना जहां से इंक्रीजेस करेंगे तो मैंने जैसे बताया वो स्टॉकनेट स्टिच में होंगे तो उनको हमने उल्टा बुनना है अब सॉरी अब एट स्टिचेस पर्ल दें आठ फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे जैसे कि उस तरफ से बुने थे और मैंने आपको बोला बोला था यहाँ पे कि वो जो होगा केबल के लिए होगा इसीलिए हम उनको उल्टा बुन रहे हूँ क्योंकि केबल जो है वो स्टॉकनेट स्टिच में होगी जब बारह फंदे बन जाएंगे तो उसके बाद से हम उनको जो है सिर्फ बारह फंदे ही उल्ट स्टॉकनेट स्टिच में बुनेंगे उसके अलावा जितने भी होंगे गार्टर स्टिच में होगा रोम पर जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा गार्टर स्टिच में होगा जस्ट केबल वाला और वो पार्ट स्टॉक स्टिच में होगा बहुत आसान है पार्ट इसके और प्लीज सबर के साथ स्टेप बाय स्टेप इसको देखें दो चार छः आठ हो गए आठ एट स्टिचेस नाउ दो चार छः आठ दस बारह ट्वेल्व स्टिचेस पढ़ एट ने ट्वेल्व स्टिचेस बारह फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे अब यहाँ पे हमने रो वन पे सारे जो पार्ट्स हैं वो डिवाइड कर लिए हैं इनसे पहले और बाद में हमने इनक्रीजेस कर लिए हैं आप कितने मार्कर्स हो गए एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ एट मार्कर्स नाउ फॉर दोज टू एक्स्ट्रा मार्कर्स जो एक्स्ट्रा दो मार्कर्स मैंने कहा था कि दस बनाने हैं वो हम तब मार्क करेंगे जब हमारे पास बारह फंदे केबल के आ जाएंगे कि भाई मार्क कर दो

we will put the marker and only these 12 stitches will be in the stockinette stitch and the other remaining all whole romper will be in garter stitch as i said before okay the so row two do three slide second row now here i will show you how to increase watch this carefully because you will need you will need to keep increasing the same way ट यू वॉन्ट योर डिजायर लेंथ फॉर आर्म होल बाजू के लिए जितनी आपको लेंथ चाहिए उसके लिए आपने उसी तरह इंक्रीजेस करते जाने हैं बस बीच में केबल ट्विस्ट आता जाएगा तो आपने ये गौर से देखना है कि मैं किस तरह कर रही हूँ क्योंकि फिर आपने इसी तरह करना है अच्छा अब ये वाले बारह फंदे निज ट्वेल्व स्टिचे या निट दीज ट्वेल्व स्टिचे ये बारह फंदे आप सीधे सीधे बुन लें सही है दो चार छ आठ दो चार छ आठ दस ग्यारह बारह ठीक है अब ये फंदे जो है ये भी सीधे बुनेंगे क्योंकि ये स्टॉकनेट स्टिच है तो स्टॉकनेट स्टिच राइट साइड से जो होता है नेट ऑल स्टिचेज रॉन्ग साइड से पर ऑल स्टिचे सो यू कैन से दैट नेट ऑल स्टिचे टू द फर्स्ट मार्कर आप ये भी बोल सकते हैं कि नेट ऑल स्टिचे सारे फंदे सीधे सीधे बुनने पहले मार्कर तक जब तक हम नहीं पहुंच जाते। आपने इसी तरह करते जाना है जितने भी इंक्रीजेस होंगे राइट right साइड से ऑल स्टिचेस। क्योंकि गार्टर स्टिच में क्या होता है राइट और रॉन्ग दोनों साइड्स आपने सीधी बुनी होती हैं। बस सिर्फ स्टॉकनेट स्टिच में होता है कि उल्टी साइड जो होगी वो आपने करनी है उल्टे बुनने अब नेट द फर्स्ट मार्कर रो टू मेक वन मेक वन के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं यू कैन यूज़ एनी मेथड फॉर इंक्रीजिंग स्टिच मेक वन आप अगर ये तो ये कर लें यूज आपने लूप रखना है और थ्रू बैक लूप थ्रू बैक लूप यू विल निट दिस स्टिच टू अवॉइड होल होल को अवाइड करने के लिए अब स्लिप दिस मार्कर बिकॉज वी विल इंक्रीज स्टिचेस बिफोर दिस मार्कर एंड आफ्टर दिस मार्कर अब ये वाले दो फंदे भी सीधे ही बुनेंगे नेट दीज टू स्टिचेस क्योंकि ये भी स्टॉक निट स्टिच में है उल्टी साइड से इन दोनों को हमने उल्टा बुनते जाना है आखिर तक अब स्लिप मार्कर मार्कर को स्लिप करेंगे और फिर मेक वन एक फंदा अब फिर से इनक्रीज करेंगे मेक वन इसको आगे कर लें मेक वन सेम वे मेक वन ठीक है अब निट टू मार्कर जितने भी बीच में फंदे जाहरी बातें बाजू के लिए भी इंक्रीज होंगे तो हम अभी ये नहीं कहेंगे कि छः कर लो छः बुन लो आप ये कहेंगे कि निट टू द नेक्स्ट मार्कर इस समझने में आपको आसानी होगी कि जितने फंदे इंक्रीज होते जा रहे हैं आपने वो बुंदे जाना है अब मेक वन अगेन मेक वन मतलब एक फंदा बढ़ाना इंक्रीज करना ठीक है अब स्लिप मार्कर मार्कर को स्लिप किया नेट टू दो फंदे सीधे बुन लिए अब स्लिप मार्कर बिफोर दिस मार्कर एंड आफ्टर दिस मार्कर वी विल इंक्रीज स्टिचेस ओके मेक वन अगेन ठीक है नाउ निट टू द नेक्स्ट मार्कर अब सारे फंदे सीधे बुनते जाएं ये वाला बैक वाला पार्ट है यहां तक आपने सारे फंदे सीधे बुनते जाना है निट अब यहां पे मैंने बैक के सारे फंदे सीधे-सीधे बुन लिए हैं ठीक है अब यहां पे

फिर से दूसरे मार्कर तक बुनेंगे कीप इन माइंड यू कीप इन स्टिचेज दिस वे बिफोर एंड आफ्टर दिस दिस मार्कर नेक्स्ट मार्कर नाउ मेक वन में एक वन एक फंदा बढ़ाया अब फिर से इधर स्लिप करेंगे इस वाले मार्कर को और फिर से दो फंदे सीधे बुन लेंगे फिर से स्लिप करेंगे मार्कर को और एक फंदा बढ़ाया पहले और बाद में इस फंदे से आ, मार्कर से पहले और इस आ, मार्कर के बाद फंदा बढ़ाना है राइट साइड से ओनली यू विल इंक्रीज स्टिचेस फ्रॉम राइट साइड ओनली नॉट फ्रॉम रॉन्ग साइड चु बुनाई करते रहते हैं उनको तो ये पता है अब ऑल दीज स्टिचेस ये वाले स्टॉकनेट स्टिच वाले भी और ये गार्टर स्टिच वाले भी ऑल दीज स्टिचेस सेकेंड रो हो गई अब थर्ड रो तीसरी सिलाई तीसरी सिलाई भी गौर से देखिएगा क्योंकि बहुत सिंपल है जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूं आपने अब सेकेंड और थर्ड रो रिपीट करना है इसलिए जस्ट इसलिए बता रही हूं क्योंकि अब इंक्रीजेज हो गए हैं तो शायद कुछ बिगनर्स को प्रॉब्लम हो थर्ड रो आपने क्या करना है गार्टर स्टिच पे गार्टर स्टिच बुनना है और स्टॉक स्टिच पे स्टॉकनेर बुनना है जैसे कि ये बारह फंदे हमने सीधे बुनने हैं दो चार छः आठ दस ग्यारह बारह नेट ट्वेल्व स्टिच इज नाउ पर्ल टू द मार्कर अब ये है ना देखिए पहले आठ फंदे थे तो अब एक फंदा बड़ा है तो जाहिर बात है नौ फंदे हो गए हैं तो पर्ल टू द फर्स्ट मार्कर आपने मार्कर तक सारे फंदे उल्टे बुनने हैं और तब तक देखें उल्टे ही बुनेंगे जब तक हमारे पास बारह फंदे नहीं आ जाते हमारे स्टिच पैटर्न के लिए केबल के लिए उसके बाद मार्क कर देंगे और उसके बाद जितने बीच में आते जाएंगे वो हमने सिर्फ दोनों तरफ से सीधे बुनते जाना है जैसे रोमपर है अच्छा स्लिप मार्कर दिस इज द रॉन्ग साइड रिटर्न रो पर्ल टू अगेन स्लिप पर्ल टू तो द नेक्स्ट मार्क सॉरी तो नेक्स्ट मार्कर Here, here, here. Marker. Marker सीधा सीधा बुना अब फिर से स्लिप द मार्कर मार्कर को स्लिप किया और इन दो फंदों को उल्टा बुनेंगे जैसे मैंने आपको कहा यह स्टॉकनेट स्टिच में होंगे इनको आपने उल्टा बुनना है रॉन्ग साइड से स्लिप मार्कर अगेन एंड यार्न बैक धागा पीछे और अब नेट टू मार्कर अब बैक वाला पार्ट सीधा सीधा बुना क्योंकि ये गार्टर स्टिच में है मार्कर तक और हमने फिर मार्कर यहाँ पे स्लिप करना है ठीक है यार्न बैक यार्न फ्रंट सॉरी आगे कर लिया धागा रॉन्ग साइड की तरफ और अब इनको दो उल्टा बनना है जैसे कि मैंने आपको बोला है कि बीच वाली सारी पॉइंट जो दो दो फंदे हैं वो उल्टे बुनेंगे क्योंकि वो स्टॉकनेट स्टिच में होंगे मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ आपको क्लियर करने की होप इट हेल्प्स अब धागा पीछे करके नेट टू तो द नेक्स्ट मार्कर ये स्लीव वाला पार्ट है और कैलकुलेशन तो मैंने आपको बताई है कि पहले आपने किस तरह करनी है तो नेट टू द नेक्स्ट मार्कर और अब ये पंदे जो इंक्रीजेस वाले हैं ना उनको भी उसी तरह इनके इनमें ऐड करते जाएंगे आप स्लिप करेंगे मार्कर और धागा आगे करके सॉरी मार्कर आप बेशक जो है ना कोई भी यूज़ कर लें मैं मार्कर के बग़ैर बुनती हूँ डेफ़िनेटली अब जाहिर बात है जब मैं इसको आके बुनूंगी तो मैं मार्कर निकाल दूंगी क्योंकि मैं मार्कर के बगैर मुझे पता होता है कि कौन कौन सी पॉइंट से आप इंक्रीजेस कर सकते हैं और मैं आपको भी बता दूंगी कि किस तरह आपको पता चले क्योंकि वो स्टॉकनेट स्टिच के बीच में दो होंगे ना और आपको दिखता भी है कि इंक्रीजेज़ हो रहे हैं पर्ल दीज टू स्टिचेज स्लिप मार्कर दो फंदों को उल्टा बुना मार्कर को स्लिप किया एंड पर्ल टू तो द लास्ट ट्वेल्व स्टिचेस फॉर ऑल स्टिचे टू द लास्ट ट्वेल्व स्टिचेज के आखिरी बारह फंदों तक जितने भी आपके पास फंदे आएंगे उनको आप उल्टा बनेंगे क्योंकि अभी हमारे पास नौ फंदे हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट जो रो होगी उस पर हम बढ़ाएंगे तो उसके बाद वाली रो पे और ज़्यादा हो जाएंगे आपने इसी तरह बस बढ़ाते जाना है फॉर ऑल टू द नेक पर टू द लास्ट ट्वेल्व स्टिचेस दैन ने टेल्व स्टिचेस दो चार छः, आठ दस बारह दो चार छः, आठ दस बारह आप ये दिमाग में रखिएगा कि एक दफ़ा जब शेप बन जाएगा ना उसके बाद आपको आसानी होगी अभी आपने जो है ना वो मिस्टेक नहीं करनी है आपने गिनते रहना है कि आपने कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं किया आप चाहें तो इन बारह फंदों के बीच में जो है भी मार्कर लगा दें लूप वाला मार्कर या कोई भी आपके पास अवेलेबल हो तो Again, knit these 12 stitches. to the last 12 stitches and knit 12 stitches. Third row is done. Third slide complete. Now repeat these two rows, second and third for your desired length for armhole. But I will show you in between that how to make a cable twist. I explained it before in a stitch pattern video given in a um, description for how to knit a bread cable, but uh, I'll show you how to make a twist for the cable. But the increasing method it will be same. Just I'll show you how to give a cable a twist and put the marker for the twelve stitches of cable separately. But You will, but uh, the other pattern will be same. Keep increasing before the marker and after the marker. बिफोर दिस मार्कर आफ्टर दिस बिफोर दिस आफ्टर दिस बिफोर दिस की रिटर्न रो विलोड यू रिटर्न रो वैसे ही होगी जैसे अभी मैंने आपको बताई है आपने बस फंदे इसी तरह से बढ़ाते जाना है बस केबल ट्विस्ट में आपको बताऊंगी कैसे आएगा और सेकेंड थिंग ऑन रो फोर वी विल मेक बटन होल एज वेल आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू मेक बटन होल मैथड विल बी सेम फॉर ऑल बटन ऑल बटन होल्ड सारे बटन होल इसी तरह बनेंगे मैं बस एक आपको बताना चाह रही हूं और मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कितना गैप आएगा हर बटन होल के बाद ठीक है बाकी आगे वाली रोज सेम होगी नेट ए थ्री स्टिचेस यार्ड ओवर नेट ए टू स्टिचेस टूगेदर ठीक है दैट्स हाउ वी विल मेक बटन होल्ड and knit all stitches because this is the right side we will make all buttons button holes from right side okay keep increasing this way and then i'll show you how to give cable cable twist as well ab apne kya karna hai ki dekhiye button hole humne ye bana diya hai इसको हम back side से जब इसको बुनेंगे तो यहाँ पे hole बन जाएगा ये आसान सा button hole होता है बहुत आसानी से बन जाता है बिगनर्स इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी किस तरह बनाते हैं बट ये है कि मैं अभी ये आपने बुना ये फोर्थ रो है तो हम बुनते जाएंगे जब तक हमारे पास यहाँ पे बारह फंदे नहीं आते फिर मैं आपको बताती हूँ कि ट्विस्ट कैसे देते हैं दूसरी और तीसरी सिलाई की तरह आपने बस रिपीट करना है अब ये जो फोर्थ रो है सेम एज रो टू एंड फिफ्थ रो सेम एज रो थर्ड ठीक है उसके बाद फिर हम मैं आपको बताऊंगी ट्विस्ट यहां पे मैंने ये देखें काफी बुन लिया है रोज हम गिन लेते हैं यहां से आप रोज काउंट कर सकते हैं गिन सकते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह इलेवन रोज नाउ फर्स्ट ट्विस्ट विल कम आफ्टर इलेवन रोज पहला जो केबल का ट्विस्ट होगा वो 11 रोज के बाद आएगा ट्वेल्थ रो पे बारहवीं सिलाई पे ठीक है सिर्फ पहला ट्विस्ट बाकी के ट्विस्ट जो हैं वो दो केबल के जब ट्विस्ट आ जाएंगे तो बीच में उनमें जो है वो आठ आठ सिलाइयों का गैप होगा अब मैं आप, आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगी कि आपने ये यहाँ पे मार्क करके आगे कैसे बुनना है इसको तो आपके पास आपने दो मार्कर ले लेने हैं जो एक्स्ट्रा आपके पास हैं आपने रखे हूं ठीक है क्या करना है अब नेट ट्वेल्व दिस इज द ट्वेल्व रो अब आपने क्या करना है बारह फंदे सीधे बुनेंगे नेट ट्वेल्व स्टिचेस क्योंकि गाटर स्टिच में है कि मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि भूले भूलें ना आप ये चीज़ अब मैं आपको बताऊँगी कि बारह फंदे फंदों के बाद आपने यहाँ पे मार्क कर देना है क्योंकि अगर मार्क करें या ना करें बस आपने दिमाग में रखना है कि सिर्फ ट्वेल्व स्टिचे टॉकनेट स्टिच होगा क्योंकि वो केबल के लिए हम रखेंगे बाकी आपने गार्टर स्टिच में बुनना है जितने भी इंक्रीजेज होंगे ऑल इनक्रीज स्टिच आफ्टर ट्वेल्व रोज ऑफ केबल स्टिच विल बी इन गार्टर स्टिच अब मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे तेरह फंदे आ गए नाउ फॉर द फर्स्ट केबल ट्वेस्ट आपने होप्स सो प्रैक्टिस की हो ये जो मैंने केबल बनना सिखाया है बुनना सिखाया है आपको दो चार चार फंदे हमने सीधे बुने नेट फोर स्टिचेस नाउ हेयर विल बी अवर फर्स्ट केबल ट्वेस्ट नाउ वी विल डू सी एट बी सी एट बी का मतलब है सी फॉर केबल एट फॉर एट स्टिचेस आठ फंदों पे हम ट्विस्ट देंगे और बी फॉर बैक बैक पे होल्ड करेंगे पहले वाले चार फंदे अब मैं आपको पहले केबल निडल से करके बता रही हूँ आपकी हेल्प के लिए और दूसरा वो जो इस तरफ वाला ट्विस्ट होगा फ्रंट पे वो विदाउट केबल में बताऊंगी आपको आई एम टेलिंग दिस केबल ट्विस्ट विद केबल नेडल एंड आई एल शो यू दिस केबल ट्विस्ट विदाउट केबल नेडल टू जस्ट हेल्प

These four stitches, ये वाले चार फंदे जो नेक्स्ट चार फंदे हैं वो आपने सीधे सीधे बुने हैं आपके पास अगर केबल नेडल नहीं है तो कोई भी आप स्पेयर नेडल यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा कोई भी नेडल यूज कर लें छोटी सी अच्छा हो गए अब ये चार फंदे बुने हम नाव दिज फोर स्टिचेस पुट दीज फोर स्टिचेज बैक ऑन लेफ्ट हैंड नेडल और यहाँ आप पता है क्या इसी से भी कर सकते हैं बट आपको आसानी के लिए जस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू पुट दीज एट फोर स्टिचेस बैक ऑन द लेफ्ट हैंड निडल लेफ्ट हैंड निडल पे इस वाले हाथ पे उल्टे हाथ वाली निडल पे वापस रखे हमने नॉट नेट दीज फोर स्टिचेस दैट्स दिस ट्विस्ट वी कॉल्ड सी एट बी ठीक है अब ये देखिए थोड़ा सा लूप सा बना है इसको अब आगे छोड़ेंगे तो बुरा लगता है तो आपने क्या करना है इसको बैक पे होल्ड करना है दूसरा फंदा बुनने से पहले ठीक है ये हमारा फर्स्ट ट्विस्ट आ गया अब ये बारह फंदे हैं दीज ट्वेल्व स्टिचेस आफ्टर तो दीस ट्वेल्व स्टिचेस यू विल मार्क हेयर बिकॉज आफ्टर दीज ट्वेल्व स्टिचेस वी विल नीट ऑल दिस इनक्रीज स्टिचेज इन इन गार्टर स्टिच बाकी के फंदे सारे गार्टर स्टिच में होंगे तो आप ये बारह फंदे मार्क कर लें ना भी करें तो आपकी मर्जी है अगर गिन सकें तो बिगनर कर लें क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अब ये तेरवा फंदा था हमारे पास ठीक है जो हमने इंक्रीज किया था तो हम इसको भी जो है नाउ निट टू द फर्स्ट मार्कर नाउ निट टू द फर्स्ट मार्कर ये वाला मार्कर ये जो इंक्रीजेस कर रहे थे हम और मेक वन एक फंदा सीधा ओ, बढ़ाया एक फंदा बढ़ाया मेक वन तो अब ये दो हो गए ना तो अब जितने भी फंदे बढ़ते जाएंगे वो गार्टर स्टिच गार्टर स्टिच मतलब सीधी साइड से भी सीधा फंदा उल्टी साइड से भी उल्टा फंदा ओनली दीज ट्वेल्व स्टिचे ऑल अदर वी विल विल बी इन गार्टर स्टिच नॉ स्लिप मार्कर मार्कर को स्लिप किया और बीच वाले ये दो फंदे स्टॉकनेट स्टिच में होंगे तो आपने इनको सीधा बुन लेना है बाकी का बाकी की जो रो है वो सेम होगी बस अब यहां पे हम मैं आपको बता रही हूं कि केबल के ट्विस्ट कैसे देते हैं ठीक है स्लिप मार्कर अगेन मेक वन एक फंदा बढ़ाया ठीक है अब निट तो टू मार्कर हेयर निट ऑल स्टिचेस टू तो द नेक्स्ट मार्कर अब हमने यहां पे इस मार्कर तक बुन लिए फंदे अब क्या करेंगे आप मेक वन अगेन सेम एज रो टू एज वी वर इंक्रीजिंग स्टिचे बिफोर जैसे हम पहले फंदे बढ़ा रहे थे रो टू पे जैसे मैंने आपको बताया है वो सेम इसी तरह ही होगी राइट साइड है फंदा बढ़ाया मार्कर से पहले और बाद में बीच वाले दो फंदे राइट साइड से सीधे ये देखे स्टॉकनेट स्टिच अब मैं यही आपको चीज बताना चाह रही थी कि अगर आप मार्कर के गैर बुन रहे हैं इफ यूर नेटिंग विदाउट मार्कर तो यू कैन सी दीज टू स्टिचेस आर इन स्टॉकनेट स्टिच सो यू विल मेक वन बिफोर दीज टू स्टिचेस एंड मेक वन आफ्टर दीज टू स्टिचेस इफ यू डोंट वॉन्ट टू पुट मार्कर्स बट इफ यू आर बिगनर आई विल से यूज मार्कर्स सो यू डोंट गेट वेयर टू इंक्रीज आप बिगनर हैं तो आप मार्कर यूज कीजिएगा मैं निकाल देती हूँ वैसे भी क्योंकि मुझे उलझन होती है मार्कर से और मुझे पता होता है कि कहां से इंक्रीज करने इंक्रीजेस करने हैं। और आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे दो तीन दफा तो फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी है ना मेक वन नाउ अगेन नेक्स्ट मार्कर फिर से हम इस वाले मार्कर तक सारे फंदे सीधे बुन लेंगे यहां तक हमने अब सारे फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं ठीक है अब हम फिर से मेक वन बफोर मार्कर मार्कर से पहले मार्कर को स्लिप किया अब बीच वाले दो फंदे स्टॉक ने सीधे बुनेंगे राइट right साइड है और फिर से मार्कर को स्लिप किया और फिर से मेक वन एक फंदा बढ़ाया ठीक है नाउ अगेन निट टू द नेक्स्ट मार्कर यहाँ पे हमने मार्कर तक बुन लिया निट टू द मार्कर एंड मेक वन स्लिप द फर्स्ट मार्कर टू मिडल स्टिचे स्लिप मार्कर नेक वन ये बस इसी तरह इनक्रीजेज होंगे इसी तरह आपने बस धंदे बढ़ाते जाना है जब तक आपको आर्म होल की जो है वो लेंथ ना मिले कि कितने आपको आर्म होल चाहिए अब हाँ अब देखिए यहाँ पे हमने काउंट करना है हमारे पास कितने स्टिचेज हैं ये इनको छोड़ के दो चार छ आठ दस बारह ट्वेल्व स्टिचेज हैं हमारे पास यहाँ या, पे हमने ट्वेल्व ट्वेल्व स्टिचेस काउंट किए हैं बट हमने ये वाला भी बढ़ाया और ये हमारे पास पहले था तो दे बोथ विल बी इन यू कैन सेट टू द मार्कर ओके द मिडल ऑल स्टिचेस विल बी इन स्टॉकनेट स्टिच ओ गार्टर स्टिच ओनली दीज ट्वेल्व स्टिचे अब जितने भी फंदे में बढ़ाती जाऊंगी वही गर्ट स्टिच में होंगे जैसे कि पूरा रोमफर है दोनों साइड से उनको सीधा बुनते जाएंगे और ये नाउ आई एम पुटिंग अब ये जो मार्कर मैंने डाला है वो ये बारह फंदों के लिए डाला है अब काउंट करे हैं देखे ना दो चार छ आठ दस बारह ट्वेल्व स्टिचे ये बारह फंदे वो स्टॉक ने स्टिच में होंगे नॉ लेट्स मेक अ केबल ट्विस्ट केबल का ट्विस्ट देते हैं पहले हम चार फंदे सीधे बनेंगे होप अगेन कि आपने प्रैक्टिस की हो फॉर दिस पैटर्न स्टिच पैटर्न टू फोर फोर चार फंदे हमने यहां पे सीधे सीधे बुन लिए नाव आई शो यू हाउ टू डू केबल ट्विस्ट सी एच बी विदाउट केबल ठीक है Now, केबल निडल के बगैर करेंगे और ऑनेस्टली मैं केबल निडल के बगैर करती हूँ हाँ बड़ी केबल जब आती है उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी जो बड़ी वाली साइज की होती है उसके लिए ना सी सी एट बी ना लेट्स टेक आउट दीज एट स्टिचेस वेरी स्लोली केयरफुली डोंट ड्रॉप देम आपने खोलने नहीं है फंदे आप ये वाले चार फंदे छोड़ के आगे वाले चार फंदे आपने निडल पे डाले ये देखिए ये इस तरफ है ये बैक साइड से मैं लेके जा रही हूं और ये वाले चार फंदे आपने आगे ले आने हैं इस तरह से ना पुट देम ब्रिंग दीज फोर स्टिचेस फॉरवर्ड एंड पुट देम ऑन द लेफ्ट हैंड दैफ्टिडल ठीक है नाओ नेट दीज एट स्टिचेस सी दिस इज हाउ वी डू केबल ट्विस्ट विदाउट केबल नेटल इट्स वेरी इजी यू हैव टू डू जस्ट प्रैक्टिस फॉर फ्यू टाइम्स इसकी जब प्रैक्टिस करें स्टिच की तो इसको थोड़ा सा बुन लीजिएगा ज्यादा ताकि फिर आप पीछे मैंने जैसे कहा आपको कहा है कि होल्ड दिस बैक इसको पीछे बुनना है होल्ड करना है ताकि आगे ना आ जाए अब निट दीज ट्वेल्व स्टिचे वी विल टाइटली फ्रॉम हेयर टू अवाइड गेप just little tight okay now अकेट to these 12 stitches. Now row 12 sorry, row 13 I'll show you. तेरवी सिलाई में आपको यहाँ तक करके बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो स्टिचेस हैं उनको हम जो है गार्टर स्टिच में बुनेंगे टूल्व थर्टीन स्टिच रो थर्टीन रो विल बी द सेम इज रो थर्ड बट आई शो यू जस्ट इल हेयर टू सी दैट वी विल पर्ल दीज ट्व स्टिचेज इंड नित्त दीज टू स्टिचेज रो थर्टीन तेरहवीं सिलाई मैं आपको थोड़ी सी बुन के बताऊँ कि केबल के बाद आप किस तरह जो है बारह फंदों को छोड़ के बाकी ये तीसरी सिलाई की तरह ही होगी कि जो भी आपके फंदे बढ़ रहे हैं उनको आप उनके साथ बुनती जाएंगी गार्टर स्टिच में दो चार छः आठ दस बारह ट्वेल्व स्टिचेस नाउ पर ट्वेल्व स्टिचेस बिकॉज दीज ट्वेल्व केबल स्टिचेस विल बीन स्ट्राक स्टिच ये जो केबल का हमने ट्विस्ट दिया है बारह फंदों पे ये बारह फंदे रोंग साइड से हमेशा उल्टे ही बुनेंगे हम अब देखिए मार्कर लगाया है तो आपको पता है कि हमने यहाँ तक ये बारह फंदी बुन्ने एक दफा फिर से काउंट कर लें गलती सबसे हो जाती है दो चार छ आठ दस बारह दो चार छ आठ दस बारह ठीक है नॉ स्लिप मार्कर एंड निट द नेक्स्ट मार्कर वाई नेट बिकॉज वी आर निटिंग दिस राम इन गार्टर स्टिच ओनली दीज स्टिचिज विल बी इन स्टॉकनेट स्टिच इन दीज टू मिडल स्टिचे अब ये दो उल्टे बुनेंगे क्योंकि ये स्टोकनेट स्टिच में है रॉन्ग साइड से उनको उल्टा बुनेंगे और राइट साइड से सीधा एन होप मेरी ये बात बिगिनर्स समझ रहे हो अब ना ओन एट ऑल स्टिचे टू तो द

जैसे कि हम बुनते आ रहे थे थर्ड रो पे भी मैंने आपको बताया था मैं आपको यहाँ से फिर बताऊंगी कि आपने क्या करना है अब देखिए ये पूरी सिलाई हमने तेरहवीं रो थर्टीथ रो बुनिए है सही अभी मैं फिर से यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह बुनना है आपने मार्कर को स्लिप सिल, किया और ये जो बीच वाले दो फंदे हैं उनको आपने उल्टा बुना अब इस वाले मार्कर को स्लिप करेंगे ये दो मार्कर वो हैं जहाँ से हमने इनक्रीज किए थे ना निट दिस ऑल स्टिचे टिल नेक्स्ट मार्कर क्योंकि बीच में आप फंदे बढ़ते जाएंगे दो नहीं रहेंगे आपने इनक्रीजेस करने हैं और निट द नेक्स्ट मार्कर स्लिप मार्कर एंडल दीज एट स्टिचेस ये आठ सॉरी परल दीज ट्वेल्व स्टिचेस ये जो बारह फंदे हैं अब आप उल्टे बुनेंगे क्योंकि ये केबल वाले फंदे हैं बारह ठीक है ये मैं बुन लेती हूँ और उसके बाद में ये वाला ये वाले बारह फंदे हम सीधे बुनेंगे थर्टीन रो कंप्लीट हो गई है रो फोर्टीन रो फोर्टीन पे दूसरा केबल ट्विस्ट आएगा क्योंकि ये वी शेप है तो ये वी शेप इसका ऐसे पूरा होगा केबल का कि के अब इस केबल रो पे दूसरा ट्विस्ट आएगा अब हम सी एट एफ करेंगे अब नेट दीज एट स्टिचेस रो फोर्टीन इतने तीस ट्वेल्थ बारह फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे क्योंकि ये गार्टर स्टिच में है सही है अब हम क्या करेंगे सी एट एफ आठ फंदों पे ट्विस्ट देंगे बट इस दफा फंदे हमने क्या करने हैं स्टिचेस होल्ड करने हैं फ्रंट पे ये इस तरह से ओके नाउ ब्रिंग दिज फोर स्टिचे बैक फ्रॉम द फ्रंट साइड ये देखें आगे की तरफ से ये में अगले वाले फंदे जो है चार वो आगे की तरफ से हमने पहले क्या किया था इसको पीछे की तरफ से ले गए थे. अब आगे की तरफ से लेके आ रहे हैं और ये वाले फंदे हम पीछे वाले चार फंदे पीछे की साइड से लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे इनको बुनाए आप प्लीज स्टिच पैटर्न की प्रैक्टिस कीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका ब्रेड केबल फॉरबर ठीक है सी एट एफ हो गया आठ फंदों पे हमने ट्विस्ट दिया फंदों को आगे के अब निट फोर स्टिचेस सही काउंट बेशक कर ले आप दो चार छह आठ दस बारह नाउ दो चार छः आठ दस बारह नाउ स्लिप द मार्कर नेट मारकर द नेक्स्ट मार्कर आपने फंदे नेक्स्ट मार्कर तक बुन लेने हैं मेक वन एक फंदा बढ़ाना है बिकॉज इट्स राइट साइड वी विल कीप इंक्रीजिंग स्टिचेस फ्रॉम द राइट साइड ऑन एवरी राइट साइड रो टिल वी हैव लेंथ फॉर स्वेटर आर्म होल ओके Knit these two stitches, slip again, make again one, okay, and knit to the next marker. Now keep increasing stitches same way and then we will do next cable twist here. आप इसी तरह increases करते जाएँ फंदे, इधर से सीधे सीधे फंदे बनेंगे, बस markers पहले और बाद में increase करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं और यहाँ पे फिर मैं आपको दूसरा ट्विस्ट बताती हूँ केबल निडल के साथ केबल निडल पे बताऊँगी अभी ओके हमने अब पूरी रो बुन ली है यहाँ पे फोर्टीन रो ठीक है अब ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि दूसरा ट्विस्ट कैसे के देंगे केबल का विथ केबल निडल केबल निडल के साथ सॉरी so यहाँ पे इंक्रीज करना है फंदा ओके यहाँ पे हम मेक वन बफोर स्टिच मार्कर जिस तरह हम फंदा बढ़ा रहे थे के अब स्लिप करेंगे मार्कर को बीच वाले दो फंदे सीधे लेंगे स्लिप मार्कर अगेन नाउ मेक वन अगेन एक फंदा हमने बढ़ाया इस तरफ से नाउ नेट टू तो द नेक्स्ट मार्कर मेक वन आफ्टर दिस स्टिच मार्कर एक फंदा बढ़ाया राइट साइड है और यहाँ पे अब ये वाले भी फंदे हम सीधे बुन लेंगे मतलब द स्टिच मार्कर दूसरे मार्कर तक इसको हम सीधा बुनेंगे अब यहाँ पे हम सेम उसी तरह केबल ट्विस्ट देंगे बट इस दफा मैं आपको केबल निडल पे बताऊंगी कि सी एट एफ कैसे करते हैं आप क्या करेंगे आप पहले वाले चार फंदे जो है वो केबल निडल पे रखेंगे और अब दूस दूसरे वाले चार फंदे इसके बाद वाले सीधे सीधे बुन लेंगे द नेक्स्ट फोर स्टिचेस. अब आप देख रहे होंगे कि मैंने ये फ्रंट पे होल्ड किया है सी एट एफ मतलब फ्रंट पे होल्ड किया है तो चार सही है अब ये वाले जो फंदे हैं ये ये वाले आठ चार फंदे वो वापस हम लेफ्ट हैंड नेडल पे रखेंगे और इसको भी सीधा सीधा बुन लेंगे निप दीज फोर स्टिचेज एज वेल ना होल्ड दिस लूप बैक प्रॉपरली पीछे इसको पकड़ना है ताकि वो आगे शो ना हो बुरा ना लगे हर चीज प्रैक्टिस के साथ आपकी इम्प्रूव होती है जैसे कि मैंने कहा कि आप पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें फिनिशिंग मस्ट होती है आपकी अगर आप अच्छे से कोई चीज बुनना चाहते हैं तो दो चार छ आठ दस बारह नॉनेट दीज ट्वेल्व स्टिचे बारह फंदे बुन के कंप्लीट कर लिए हैं रो फोर्टीन कंप्लीट हो गई है रो फिफ्टीन जो होगी वो थर्टीन रो की तरह होगी और थर्ड रो की तरह बस ये रिटर्न रो है तो आपने क्या करना है गार्टर स्टिच को गार्टर स्टिच बुनेंगे स्टॉकनेट स्टिच को स्टॉकनेट बुनेंगे और कीप स्लिपिंग द स्टिचेस नो इनक्रीज ऑन रॉन्ग साइड बस जो है कि तीन पॉइंट दिमाग में रखनी है एक रॉम पर पूरा जो है वो गार्टर स्टिच में है और दूसरी आपने इन मार्कर से पहले और बाद में जैसे इंक्रीजेस कर रहे हैं वैसे करने हैं। थर्ड पॉइंट आपने क्या करना है कि केबल का जो दूसरा ट्विस्ट आएगा वो आठ सिलाइयां बुनने के बाद आएगा सही है और ये जो दो बीच वाले हैं वो तो हैं आपको पता है कि स्टॉकनेट स्टिच है ये जो इन मार्कर्स के बीच में ये जो दो फंदे बुन रहे हैं वो, वो स्टॉकनेट स्टिच है कीप पॉइंट्स इन योर माइंड द रॉम्पर विल बी इन गार्टर स्टिच यू विल कीप इंक्रीजिंग फ्रॉम द राइट साइड बिफोर एंड आफ्टर द मार्कर एज वी वर डूइंग बिफोर द नेक्स्ट फर्स्ट केबल ट्विस्ट विल कम आफ्टर द एट रूज ओके so keep these points in your mind all also these two stitches will be in stockinet stitch keep increasing stitches till we have length for our mode acha yahan pe maine length puri kar li hai jitni mujhe chahiye our mode ke liye newborn baby ke liye theek hai आप तब तक increases करते जाएंगे जब तक आपको ये length नहीं मिल जाती है अब यहाँ पे हम length को नापेंगे कि हमारे पास कितनी है तो हमारे पास जो length आ रही है वो है साढ़े चार साढ़े चार इंचेस तक हमारे पास लेंथ है उसके बाद हमने अब डिवाइड करने हुई है फोर एंड हाफ लेंथ नाउ वी विल सेपरेट पार्ट्स स्टिचेस डिवाइड अब जो बटन होल में गैप है वो मैं आपको बताऊंगी अच्छा ये दो बटन होल्स हैं ठीक है उसका गैप मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि फॉर एग्जाम्पल Uh, आपके पास ज़रूरी नहीं है कि सेम नेडल और यार्न हो तो डेफिनेटली आपका सिलाइयाँ तो डिफरेंट आएंगी लेकिन लेंथ आपने गैप आपने उतना रखना है तो अगर मैं इस होल से लेकर इस होल तक नाप रही हूँ तो टू इंचेस तक गैप आ रहा है बटन होल्स के बीच में देर देर इज टू इंच इंचज़ गैप बिटवीन ईच बटन होल बट इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स अप टू यू आप कितना गैप रखना चाह रहे हैं बटन होल्स के बीच में वो आप पे डिपेंड करता है उसके किस तरह आपको पसंद है या अगर बड़ी साइज़ का बनाना चाह रहे हैं तो आप किस तरह करना चाह रहे हैं तो अब तक यहाँ तक हम क्लियर हैं ठीक है लेंथ मैंने आपको बता दी है मैंने आपको ये भी बता दिया है कि बटन होल्स में जो है वो कितना गैप आ रहा है अब हम डिवाइड करेंगे फंदों को आप इस तरह दो धागे ले लें जो मैंने आपको बताया था बट आप, आपके पास अगर स्टिच होल्डर है तो वो भी आप ले सकते हैं इफ़ यू हैव स्टिच होल्डर देन यू कैन यूज़ देम टू पुट द स्टिचेस ऑन और इफ़ यू डोंट हैव देन यू कैन यूज जस्ट यू अच्छा नेक्स्ट रो फॉर डिवाइडिंग स्टिचेज फंदों को सेपरेट करने के लिए नेक्स्ट रो हम क्या करेंगे हमने रो एज इट इज बुननी है निट द रो एज इट इज yantak okay till this marker knit all stitches as it is till here and if the twist is coming in the cable you can give the twist and then knit all it's totally up to you that uh, which size you are making and twist is coming or not uh, it's totally up to you but you will knit uh, the row as it is टिल दिस मार्कर नॉट दिस केबल मार्कर टिल दिस मार्कर आपने ये सारे फंदे उसी तरह बुन लेने अगर केबल का ट्विस्ट आ रहा है तो दे दें यहाँ पे नहीं आ रहा ये देखें अभी यहाँ पे पूरे नहीं हुए आ, आठ जो है लाइनें बीच में तो अभी यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि आपका आए तो आप ट्विस्ट दे मतलब जिस तरह रोज आ रही है आप उसी तरह बुनेंगे इस फंदे तक और सॉरी इस मार्कर तक ये वाला नहीं ये ये वाला मार्कर ठीक है उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम ये सारे बुन लेते हैं यहाँ पे हमने सारा ये जो फ्रंट पार्ट है वो बुन लिया है नेट ऑल स्टिचेस टू द सेकेंड मार्कर नॉट द फर्स्ट मार्कर नॉट द दिस मार्कर टू द सेकेंड मार्कर नेट ऑल स्टिचेस। निट द रो एज इट इज अब हम यहाँ पे क्या करेंगे आपने ये मार्कर रिमूव करना है रिमूव दिस मार्कर नाउ निट वन मोर स्टिच ठीक है बिकॉज वी विल डिवाइड दीज टू मिडल स्टिचेज एज वेल वन टू दिस साइड एंड वन टू दिस साइड ये जो बीच में दो फंदे जा रहे हैं उनको भी हम डिवाइड करेंगे एक इस तरफ करेंगे एक इस तरफ करेंगे जितने भी आएंगे आगे भी एक इस पार्ट में करेंगे और एक उस पार्ट में करेंगे तो अब यहाँ पे आप देखें ये दो जा रहे हैं ये दिमाग में रखिएगा ये आपने सारों को ऐसे करना है अब ये भी मार्कर रिमूव करें रिमूव दिस मार्कर एज वेल

from this mark to here. अब यहां तक मैंने सारे फंदे धागे पे डाल लिए हैं अब मार्कर को रिमूव करेंगे और ये जो दो फंदे आप देख रहे हैं उनमें से एक इस तरफ करेंगे मूव दिस वन स्टिच टू दिस साइड अब ये वाला धागा निकाल लेंगे अब सुई निकाल के इस वाले धागे को जो है हम यहाँ पे बांध देंगे ताकि ये सिक्योर रहें और जब हम फ्रंट और बैक कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उनको बुनेंगे अब ऑल्सो रिमूव दिस मार्कर ये मार्कर भी निकाल दें और अब क्या करेंगे ये यहां से लेकर हम इनको बुनना शुरू करेंगे नाव अगेन नेट ऑल स्टिचेस टू द नेक्स्ट मार्कर सारे फंदे सीधे सीधे बुन लें ये बैक वाला पार्ट है ये फ्रंट वाला पार्ट है अब ये सारे फंदे यहाँ फर्स्ट मार्कर तक हम सीधे सीधे बुन लेंगे अब हमने सारे फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं मार्कर को अब हम रिमूव करेंगे ठीक है अब ये वाला फंदा इस साइड करेंगे नेट वन मोर स्टिचे ज वी आर डिवाइडिंग दीज टू स्टीचेस एज वेल एक यहाँ पे और एक यहाँ पे अब फिर से हम क्या करेंगे धागा लेंगे और ये वाले बाजू के फंदे भी धागे पे डाल लेंगे रिमूव मार्कर और अब सारे जो फंदे हैं Put all the stitches on stitch holder or yarn till this marker. अब यहां तक मैंने सारे फंदे डाल लिए हैं धागे पे और मार्कर को रिमूव करके ये वाला एक फंदा भी आपने इस तरफ कर देना है अब धागे को आपने बांध देना है इधर और जो हमारे फंदे हैं उनको हम सिक्योर कर लेंगे

ठीक है यहां तक ये यह इस वाले को आप चाहे तो रखें चाहे तो रिमूव कर दें बट आप देख रहे हैं कि ये केबल जा रही है बस आपको ये रिमाइंड कराता है कि ये केबल का है सही लेट ऑल स्टिचे स्टिल हेयर अब यहां पे हमारी ये जो रो है कंप्लीट हो गई है हमने सारे स्टिचेस को जो है डिवाइड कर लिया है ये बाजू के लिए हमने धागे पे डाल लिए हैं और ये फ्रंट पार्ट फ्रंट पार्ट बैक पार्ट नाउ वी विल निट दिस बैक एंड फ्रंट पार्ट्स पार्ट्स टुगेदर रिटर्न रो विल बी सेम एज रो एज वी वर निटिंग रॉन्ग साइड रोज बिफोर ओके गार्टर स्टिच ऑन गार्टर स्टिच एंड स्टिच ऑन स्टॉकनेट स्टिच जो रिटर्न रो है हमारी वो वैसे ही होगी जैसे हम बुन रहे थे ये वाले फंदे सीधे बुनेंगे रॉन्ग साइड से ये स्टॉकनेट स्टिच वाले उल्टे बुनेंगे और अब कोई जो है वो इंक्रीजिंग पॉइंट नहीं है यहां पे बस आपकी ये जो है वो मार्कर जो है वो है उसके लिए है केबल के लिए इसी तरह बस बुनते जाना है जब तक हम आ, पहुंच नहीं जाते गले से लेकर जितनी हमें लेंथ चाहिए पूरी बॉडी पार्ट के लिए उसके बाद फिर हम लेग्स के लिए डिवाइड करेंगे कीप निटिंग दिस वे टिल यू रीच फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर बॉडी पार्ट एंड देन वी विल डिवाइड फॉर लेग्स यहाँ पे मैंने डिवाइड करने के बाद इसको काफी बुन लिया है हम देखते हैं हमारे पास क्या नाप है साढ़े दस इंचज तक हमारे पास नाप है यहाँ पे टेन एंड हाफ इंचज अब आप तब तक बुनेंगे जितनी आपको लेंथ चाहिए उसके बाद हमने अपने लेग्स के लिए सेपरेट करना है फंदों को फंदों को किस तरह से हम सेपरेट करेंगे डिवाइड करेंगे जितने भी फंदे होंगे आपके पास उनको हाफ़ में डिवाइड करेंगे मतलब अगर आपके पास सौ फंदे हैं तो आप पचास इधर पचास इधर करेंगे अगर आपके पास दो सौ फंदे 100 तो इधर सौ इधर करना है हाफ no करके half करके और यहाँ पे मार्कर डाल दिया है हाफ स्टिचे इधर हाफ इधर आधे फंदे इधर आधे फंदे इधर मैंने एक्सप्लेन आपको किया हुआ है कि आपके पास जितने भी होंगे हाफ हाफ करेंगे आप तो आप डबल काउंट कर लीजिएगा कि कोई मिस्टेक ना हो आपसे एक जितने फंदे दोनों साइज़ पे हो साइड पे होंगे और बीच बीच में आपने मार्कर डालना है अब ये हमने क्या करना है दो लेग्स सेपरेट बुननी है जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपने बॉडी बुन के फिर लेग्स बुननी है यहाँ पे हमने मार्कर डाल लिया है मार्कर मस्ट डालिएगा वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है समझने में अब मार्कर डालने के बाद यहाँ पे मेरे पास 64 फोर स्टिचेज हैं यहाँ पे 64 फोर स्टिचेस हैं जो मेरे पास हैं जो जो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ठीक है बट डजेंट मैटर कि आपके पास कितने हैं आपने हाफ हाफ करने हैं बट आई हैव 64 फोर स्टिचेज हेयर सिक्सटी फोर स्टिचेज हेयर यू विल फॉलो हाउ मेनी स्टिचेज यू हैव ऑन योर नेडल देन यू विल जस्ट डिवाइड दैम इन टू हाफ नाउ नेक्स्ट रो आफ्टर डिवाइडिंग स्टिचेस फॉर बोथ ले पहली रो नेक्स्ट रो बोलें पहली रो बोलें इट्स अप टू यू यू कैन से फर्स्ट रो फॉर द फर्स्ट लेग और यू कैन से नेक्स्ट रो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये अगली सिलाई है या पहली रो है इसके लिए लेग के लिए इस वाले पार्ट के लिए निट एंड बाइंड ऑफ सिक्स स्टिचेस छह फंदे आप सीधे बुन के बंद करेंगे निट एंड बाइंड ऑफ सिक्स स्टिचेस क्योंकि रो पे हमने केबल का ट्विस्ट नहीं देना तो सारे फंदे उसके बाद हम सीधे बुनेंगे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि केबल वैसे ही जाएगी जैसे थी केबल विल बी द सेम एज इट इज विल जस्ट डिक्रीज स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड एंड अदर दो चार छ एक और निट एंड बाइंड ऑफ सिक्स स्टिचेस सीधा बुन के छह फंदे यहाँ पे हमने बंद किए हैं अब उन पे रख लें साइड पे कर दे या आ, इसी इसे निडल पे रहने दे और साथ ही बुनते जाए आपकी मर्जी है जिस तरह आपको आसान लगे कि आप इसके साथ कर सकते हैं या इसके बगैर मैं इसके साथ ही करूंगी फंदे इधर होंगे बट आप नहीं करते तो आप सिर्फ इसे स्टिच मार्कर पे रखते हैं इफ यू वांट टू पुट दीज स्टिज स्टिच मार्कर यू कैन बिकॉज और रिटर्न रो भी कह सकते हैं दूसरी स्लाई भी कह सकते हैं अब आपने क्या करना है Knit and bind off three stitches. तीन फंदे यहां से आपने सीधा बन के बंद करने ठीक है तीन फंदे इधर से आपने सीधे बुन के बंद करने निट इन बाइंड ऑफ थ्री स्टिचेस ओनली थ्री स्टिचेस अब देखिए यहाँ पे गैप आ गया है मार्कर निकालना भी चाहें तो आपकी मर्जी है आपको पता चल जाएगा कि आप इन पे काम कर रहे हैं और अगर रहने दो दें तो भी आपकी मर्जी इफ यू वांट टू टेक दिस मार्कर आउट इट्स टोटली अप टू यू और इफ़ यू वांट टू कीप इट अब हमारे पास ये देखें छह फंदे यहां से बंद किए हमने और तीन फंदे यहां से बंद किए हैं अब हम बीच वाले जो फंदे हमारे पास बचे हैं हम सिर्फ उन पे काम करेंगे ठीक है लेग को हम उसी तरह बुनेंगे अभी हम ये बुन लेते हैं निट इन बाइंड ऑफ थ्री स्टिचेस। उसके बाद निट गार्टर स्टिच एंड गार्टर स्टिच एंड स्टॉकनेट स्टिच ऑन स्टॉकनेट स्टिच गार्टर स्टिच एन गार्टर मैंने रिटर्न रो पूरी उसी तरह बुन ली है गार्टर स्टिच पे गार्टर स्टिच और स्टॉकनेट स्टिच पे स्टॉकनेट स्टिच ठीक है अब आप कहेंगे कि अगर बड़ी साइज के लिए बना रहे हैं या छोटी साइज के लिए बना रहे हैं तो फंदे हम किस तरह बाइंड ऑफ करेंगे यहां से क्योंकि बड़ी साइज के तो डिफरेंट होंगे ना तो आपने देखना है कि आपने बटन पट्टी के लिए कितने फंदे एक्स्ट्रा काउंट कास्ट ऑन करने हैं डालने हैं सिलाई पे बटन हम सिर्फ बंद करेंगे बटन पट्टी वाले फंदे उसके अलावा नहीं और इस तरफ से हम तीन क्यू बंद कर रहे हैं क्यू बंद किए हैं हमने स्टिचेस क्योंकि तीन हम इस तरफ से करेंगे तो टोटल छः हो जाएंगे और जब हम रॉम सीएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ अभी आप इसी तरह बुनते रहें लेग को वी विल वर्क ऑन दीज स्टिचेज रोज रोज विल बी द सेम केबल स्टिच विल बी द सेम एंड गार्टर स्टिच विल बी द सेम कीप निटिंग दिस वे टिल यू हैव फोर्टीन एंड हाफ इंचज टोटल लेंथ फॉर द रोमपर देन वी विल नेट बॉर्डर इसी तरह आप सीधा बुनते जाएंगे जब तक आपकी जो है वो केबल उसी तरह रहेगी गार्टर स्टिच उसी तरह रहेगा आपने सिर्फ इन फंदों पे सीधा सीधा बुनते जाना है जब तक साढ़े साढ़े चौदह इंचस आपको लेंथ मिलेगी उसके बाद हम बॉर्डर बुनेंगे यहाँ पे मैंने रोमपर को पूरा साढ़े चौदह इंचस तक बुन लिया है मैं नाप के दिखा देती हूँ यहां तक ठीक है आप देखेंगे कि आपको कितनी लेंथ चाहिए पाजामे का बॉर्डर बुनने से पहले तो उस मुझे साढ़े सोलह इंचस चाहिए तो मैंने इसलिए टोटल लेंथ बॉर्डर के साथ तो इसीलिए मैंने जो है साढ़े चौदह इंचस तक पूरा रोम पर बुना है और अभी मैं बॉर्डर शुरू करूँगी आफ्टर नेटिंग फोर्टीन एंड हाफ इंचज साढ़े चौदह इंचज बुनने के बाद यहाँ पे नेट वन नेक्स्ट रू फॉर बॉर्डर आफ्टर नेटिंग फोर्टीन एंड हाफ इंचर नेट वन मैं इसलिए नेट वन और पार्ल टू टूगेदर कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक सीधे उल्टे वाला बॉर्डर बुनना है वो वी आर डूइंग नेट वन एंड टू टूगेदर बिकॉज वी आर गोइंग टू नेट वन इन टू वन रिब बॉर्डर फॉर पजामा लेग्स अब ये इसी तरह बुन लें एक सीधा और दो उल्टे साथ जैसे अभी मैंने आपको बताया एक सीधा धागा आगे करके दो उल्टे फंदे पर साथ में बुनेंगे पर्ल टू टुगेदर टु मीन्स दो फंदे साथ बुने पर उल्टे पर्ल टू टुगेदर नेट वन पर्ल टू टुगेदर कीप रिपीटिंग दिस अब यहां पे आखिरी नेट वन पर्ल टू टुगेदर एक फंदा सीधा दो उल्टे साथ में पर्ल टू टुगेदर और अब ये लास्ट वन लास्ट स्टिच नेट वन नेट वन पर्ल टू टुगेदर टू द लास्ट स्टिच एंड नेट वन इसी तरह आपने अब ये क्या हुआ बेस बन गई हमने डिक्रीजेस कर लिया आप उस तरह डिक्रीजेस करेंगे जितने फंदे आपके पास होंगे जैसे यहाँ हमने छः फंदे घटाए यहाँ से हमने तीन फंदे डिक्रीज किए घटाए सिक्स डिक्रीजेस थ्री डिक्रीजेस फिर उसके बाद जितने हमारे पास फंदे थे उन पे हमने काम किया और उसके बाद पूरा जब हमें लेंथ मिल गई तो बॉर्डर के लिए बॉर्डर बुनने से पहले हमने डिक्रीजेस किए आप उस तरह देखेंगे कि आपके पास जितने भी फंदे होंगे आप कैलकुलेट करेंगे कि भाई हो सकता है आपके पास ज़्यादा हो बड़ी साइज़ बुन रहे हैं सौ हो पचास हो तो आप देखेंगे कि आपको बॉर्डर की पजामे की जो बॉर्डर है उसकी कितनी विट्थ चाहिए यू विल सी हाउ मच विट्थ यू वॉन्ट फॉर पजाम बॉर्डर उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे और डिक्रीजेस करेंगे आप इसी तरह भी डिक्रीज कर सकते हैं बट आप देखेंगे कि आप साइज़ क्या बुन रहे हैं आप क्या साइज चाहिए अब रिटर्न रो निट निट स्टिच पर्ल पर्ल स्टिच लाइक वी डू इन वेन वी निट वन इन टू वन रिप जिस तरह हम एक सीधा एक उल्टे वाला बॉर्डर बुनते हैं रिटर्न रो पे क्या होता है कि आप एक जब रिबिंग बुनते हैं एक सीधे एक उल्टे वाली तो आप ये देखें सीधे फंदे पे सीधा बुनेंगे उल्टे फंदे पे उल्टा अगर आपको किसी में किसी में से आपको जो है नहीं आता है बिगनर्स को कि वन टू वन रिप क्या है या एक सीधे एक उल्टे वाला क्या बॉर्डर है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहाँ से पहले उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बहुत ही आसान है ये आपने बस एक फंदा सीधा और एक उल्टा बुनना है और रिटर्न पे ना Uh, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा इफ यू डोंट नो हाउ टू नीट वन इंट रिप बॉर्डर लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन यू कैन डू प्रैक्टिस बिफोर स्टार्टिंग तो कीप टू बॉर्डर फॉर की चार इंचज तक के लिए हम बॉर्डर बुनेंगे वन टू वन रिप वाला एक सीधे एक उल्टे वाला क्योंकि उसके बाद फिर हम फोल्ड करेंगे तो वो हमें दो इंचज मिले यहाँ पे मैंने चार तक बुन लिया है आपने रोज को फॉलो नहीं करना है आपने नाप को फॉलो करना है कि आपके पास कितनी है चार इंचेस तक यहाँ पे मैंने बुन लिया है फोर इंच वन इंटू वन रिप बॉर्डर कंप्लीट हो गया है अब नेक्स्ट रो राइट साइड निट एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस सारे पंदों को सीधा बुन के बंद कर देंगे बाइंड ऑफ के लिए आप कोई भी मेथड यूज, यू, यूज कर सकते हैं यू कैन यूज एनी मेथड टू बाइंड ऑफ स्टिचेस इसी तरह सारे फंदे हम बाइंड ऑफ कर लेंगे उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये वाली जो लेग है वो कैसे शुरू करनी है ये वाली साइड लिट एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस यहाँ पे मैंने सारे जो स्टिचेस हैं फंदे हैं वो बाइंड ऑफ कर लिए हैं सीधे बुन के अभी जो आखिरी है उसको हम फंदे के सिक्योर कर लेंगे यहाँ पे सिक्योर एंड कट मैंने इस फंदे को सिक्योर कर दिया है अब हम ये वाली साइड करेंगे इस वाली साइड के लिए बनाएंगे इस वाली लेग के लिए हमने धागा लेना है हमने क्या किया था जब हम ये वाली साइड बुन रहे थे तो पहले एंड बाइंड ऑफ बॉर्डर वाले जो छह फंदे थे वो हमने बंद किए थे फिर सारी सिलाई बुनी थी और फिर यहां से रिटर्न पे तीन फंदे बाइंड ऑफ किए थे अब हमने उल्टा करना है क्योंकि ये देखिए अंदर वाली साइड है ना ये बटन बैंड आ रहा है इस तरफ ठीक है तो यहाँ से हमने रिटर्न बाइंड ऑफ थ्री स्टिचेस करने हैं अभी उसके बाद फिर जब हम सारी सिलाई बन लेंगे तो रिटर्न पे यहाँ से छः फंदे बंद करेंगे क्योंकि यहाँ से अग, अगर अगर यहाँ से हमने बटन बैंड के छः फंदे बंद किए हुए हैं तो यहाँ से भी हमने करने होंगे आपके पास जितने भी बटन बैंड के फंदे होंगे आप जितने इधर से बंद करेंगे आपने उधर से भी करने हैं क्योंकि फिर डेफिनेटली आपने इनको मिला के सीना है रॉम्पर के लिए बटन्स के लिए आगे अब नेक्स्ट रो फर्स्ट रो फॉर अदर लेग अदर पार्ट एंड माइंड ऑफ थ्री स्टिचेस ऑल स्टिचेस पहली सिलाई दूसरे पार्ट के लिए दूसरी पजामे की जो लेग है उसके लिए तीन फंदे सीधे बुन के बंद करेंगे एक दो बाइंड ऑफ स्टिचेस स्टिचेस नॉन ऑल क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई ट्विस्ट अगर आता है तो हम देंगे नहीं आता है तो नहीं देंगे अभी हमने नेट रो एज इट इज यहाँ पे मैंने सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं यहाँ पे ट्विस्ट नहीं आ रहा था आ रहा होता तो देते आप अपने पैटर्न को फॉलो करेंगे जिस तरह केबल जा रहा है केबल स्टिच विल बी द सेम गार्टर स्टिच विल बी द सेम जस्ट हमने यहां से बाइंड ऑफ किए थ्री स्टिचेस अब रिटर्न रो रो टू भी आप कह सकते हैं रिटर्न रो भी आप कह सकते हैं निट इन बाइंड ऑफ सिक्स स्टिचेस फंदे स्टिचे छुन के बंद करने हैं इस तरफ वाली बटन पट्टी की भी क्योंकि फिर मैं आपको रख के दिखाऊंगी कि इसका क्या शेप आता है निट इन बाइंड ऑफ सिक्स स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड आप गिन लेंगे आपके पास कितनी है दो चार है, छह फंदे यहाँ पे बाइंड ऑफ हो गए हैं नाव दो चार ठीक है छह फंदे हमने क्योंकि बारह थे ना इस तरफ छह फंदे हमने यहाँ पे बंद करे और नाव अभी गार्टर स्टिच पे गार्टर स्टिच बुनेंगे और स्टॉकनेट स्टिच पे स्टॉकनेट, गार्टर स्टिच पे गार्टर स्टिच मतलब ये फंदे सीधे ये बारह फंदे के बिल वाले उल्टे जिस तरह हम जिस तरह हम बुनते आ रहे हैं कीप निटिंग सेम वे वी विल वर्क ऑन दीज स्टिच ओनली थ्री बाइंड ऑफ हेयर सिक्स बाइंड ऑफ हेयर नाउ वर्क ऑन दिस लेग एज इट इज नेट गार्टर स्टिच एंड गार्टर स्टिच एंड केबल स्टिच विल बी द सेम फॉर फोर्टीन एंड हाफ इंच सेम लेंथ लाइक वे डेड हेयर सेम फोर्टीन एंड हाफ इंचज के तक बुन के और उसके बाद फिर बॉर्डर में रहेंगे आफ्टर निटिंग फोर्टीन एंड हाफ इंच बॉर्डर एंड देन बाइंड ऑफ यहाँ पे ये वाली लेग भी कम्पलीट हो गई है अब हम धागा काट लेंगे धागा आपने उतना काटना है कि जितना वेव इन कर सकें सिर्फ वो इसलिए क्योंकि हमने इस लेग पे धागा छोड़ा हुआ है जो कि हमें सीने के लिए चाहिए अगर आपने इस तरफ नहीं छोड़ा हुआ इस लेग पे धागा ये साइड सीने के लिए तो आप फिर यहाँ पे छोड़ सकते हैं अभी मैं थोड़ा सा शेप दे के आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का इसका वेविन्स मैंने नहीं किए हुए हैं वेविन्स हम बाद में करेंगे अब आप ये देख रहे हैं कि ये वो जो बटन पट्टी वाले थे हमने बाइंड ऑफ किए थे स्टिचेस मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ यहाँ पे देखें इस तरह का इसका अभी जो फ़िलहाल है वो लुक आएगा क्योंकि बाजू नहीं बने हुए हैं अभी इसकी हुडी नहीं बनी हुई वो बाद में बनाएंगे वेविन मैंने नहीं किए हुए हैं ये धागे वेविन वाले वो बाद में करेंगे अब यहाँ पे मैंने धागा छोड़ा हुआ है एक तरफ ये रहा इस तरफ मैंने धागा छोड़ा हुआ है इस तरफ मैंने उतना काटा जितना मुझे वेविन के लिए चाहिए आप देखेंगे कि कौन सी तरफ आपके पास धागा मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि किस तरह इसको सीएंगे आपने फिर उसी तरह ही सीना है थोड़ा सा जस्ट बताऊंगी मैथड यूज़ कर सकते हैं साइड सीने के लिए अभी मैं जो है वो सिंपल वाला मेथड यूज करूंगी मैंने सिखाया भी हुआ है हमने क्या करना है ये राइट साइड है और ये पहले पजामे से शुरू करेंगे इधर आपने पहले फिक्स करना है ठीक है धागे को और फिर दो इधर से लेने हैं आपने बिल्कुल लास्ट वाला जो स्टिच होगा ना वहां से बिल्कुल लास्ट वाला दो यहां से लेने हैं आपने सॉरी ये आखिरी फंदा जो है सही क्योंकि आपको पता है कि इधर भी ट्वेंटी फोर जितनी भी आपकी रोज होंगी बराबर रोज है ना तो आपका वो बराबर बैठना चाहिए दो यहां से लिए हैं आपने फंदे और दो यहां से अब इसको आगे कर लें ताकि आपको पता चले कि कहां से आप ले रहे हैं ये देखें ठीक है दो यहां से एक एक भी ले सकते हैं रो बट दो, दो भी ले सकते हैं तीन नहीं ले सकते वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा गैप फिर ये यहाँ से आप देखें ठीक है दो लिए आपने यहाँ से लेग्स बोल रहे हैं रो, रोज बोल रहे थोड़ा सा आपने मिलाने के बाद खींचना है मैं जैसे सारे प्रोजेक्ट्स में कहती हूँ कि आप मिलाने के बाद थोड़ा सा खींचेंगे पुल दिस आफ्टर ज्वाइनिंग लिटिल बिट वो इवन नहीं हो जाता है कि फिर आपका धागा अटक जाता है और वो टूट सकता है अभी मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ से आपने कैसे ज्वाइन करना है क्योंकि गार्टर स्टिच है बट मैंने जो जिस तरीके से मैंने करना है मैं वो आपको बताऊँगी फिर मैं यहाँ से भी बताऊँगी अभी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको मिला लेती हूँ यहाँ पर मैंने बॉर्डर जो है वो पूरा सी लिया है मैंने इसको फोल्ड करा हुआ था क्योंकि हमने पूरा बनाने के बाद इस तरह इसको फोल्ड करना है ठीक है वो बाद में हम उसको फोल्ड करेंगे जब ये पूरा बन जाएगा अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि आपने यहाँ से किस तरह मिलाना है मेरे पास तो यहाँ बॉर्डर की चौबीस सिलाइयाँ थी आपके पास जितनी होंगी आपने उतनी करनी है उनको मिला देना है अब ये गार्टर स्टिच की यहाँ पे रिजेज हैं तो हमने जिस तरह हम गार्टर स्टिच मिलाते हैं उस तरह नीम मिलाएंगे थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से मिलाएंगे ताकि वो काम पक्का हो सख्त तरीके से वो बंद हो जाए सही तरीके से अभी एक रो यहाँ तक मिलाया हुआ है ना अब यहाँ क्या करना है यहाँ पे भी आपने दो दो लेने हैं यहाँ से इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे दो छोड़े हुए हैं मतलब एक फंदा छोड़ा हुआ है ये इस तरफ किया हुआ है ये देखिए एक जो स्टेज जा रहा है ना इस तरफ मैंने उसको इस तरफ कर दिया है हम यहाँ से सीएंगे जिस तरह हम गार्टर्स स्टेज सीते हैं इस तरह से एक यहाँ से उठाते हैं और एक वहाँ से उस तरह नहीं सीएंगे थोड़ा सा वो लूज़ हो जाएगा इसीलिए हम थोड़ा सा इसको पक्का कर रहे हैं तो यहाँ से आपने ये देखिए इस तरह से इसको पिक करना है दो को रोज़ को अब यहाँ से भी ये देखिए यहाँ से मिलाया हुआ है तो ये देखिए यहाँ से भी हमने दो लेने ये एक फंदा इस तरफ हमने छोड़ा हुआ है मैं थोड़ा सा बस आपको डिटेल से बताना चाह रही थी वैसे आपको कोई भी टेक्निक आती हो मैं तो रात और सीने का आप यूज़ कर सकते हैं ये बिगनर के लिए होता है कि वो अक्सर उनको प्रॉब्लम होती है ये काफ़ी टेक्निक्स मैंने साइड सीने की शोल्डर सीने की स्वेटर साइड सीने की सब सिखाई हुई हैं आप प्लीज देखा करें जो टेक्निक्स की जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ठीक है अब इसी तरह इसको मिलाते जाएंगे फिर आप जब यहां पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी हमने ये वाली साइड किस तरह मिलानी है अगर आपको आती है तो आप क्या करेंगे ये जो तीन लेयर हैं इनको आपने साथ में मिलाना है इस तरह से ठीक है हमने छोड़ना नहीं है इनको क्योंकि ये बटन बैंड के हैं दो इनको मिलाना होगा और बैक वाले के साथ मैं आपको कोशिश करके वो भी दिखाऊंगी अभी हम यहाँ तक बुन लेते हैं इसको यहाँ तक के ये देखें इसको मैंने मिला दिया है ये वाली साइड पजामे की अब ये जो बीच में इधर गैप आ रहा है जहरी बात है हमने इस तरफ तीन फंदे अलग बंद किए थे इस तरफ अलग फंदे बंद किए थे तो थोड़ा सा जो है वो गैप आ जाता है तो यहाँ पे जो हमारे पास धागा है उसको हम बंद कर लेंगे ताकि हमारे पास छह फंदे पूरी तरह आ जाएँ जब हम ऊपर से मिलाएं तो उनको प्रॉब्लम ये देखें प्रॉब्लम ना हो ये जो बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है इसकी वजह से कि छः छः फंदे हमने अलग बंद किए थे ये इसको हम थोड़ा सा बाद में वेव इन कर देंगे अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हम इसको कैसे मिलाएंगे तीन ये तीनों की लेयर बनाएंगे साथ में ये ये बटन होल्स हैं तो ये ऊपर आएगा और ये इस तरफ तरह इनको रखना है और उसके बाद ये इसी तरह जिस तरह जा रहा है यहाँ तक पहुँचे हैं सही है दो यहाँ से लेंगे हम फिर से थोड़ा सा गैप उसकी वजह से आ रहा है क्योंकि हमने दोनों पार्ट्स को अलग बना था तो वो हो जाता है आपका यहाँ तक हम इसको कर लेते हैं अब इनको मिला के एक, एक और दफा ये दो वी शेप यहाँ से लिए हमने ये देखें दो वी शेप अब और दो यहाँ या, यहाँ से अब दो इनको कैसे लेना है इनको अकेले नहीं लेना इनको साथ में लेना है ये छह है ना अब आपने क्या करना है ये इस पे नहीं लेना आपने अंदर वाले को भी मिलाना है इसके साथ नीचे वाले को भी देखें नीचे वाले को भी मिलाना है और भूलिएगा मत छोड़िएगा मत आपने क्योंकि फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी दोनों को मिलाना है ज्वाइन बोथ टुगेदर फिर से मैं कोशिश करके ये स्किप ना करूं दो इधर से आप ली, आपने लिया और ये देखें सिर्फ दो ऊपर से नहीं लेने आपने ये देखें नीचे से भी दो उठाने हैं ये मैं खोल के सिर्फ आपको दिखा रही हूँ ताकि आप दिखिए आपको आप इस तरह रख के और सीते जा सकते हैं आप मिलाते जा सकते हैं इनको वो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपने दो वी शेप फिर से यहाँ से लिए ये आप जिसमें से आपने देखी होगी मैंने टेक्निक सिखाई है ये देखिए मैं अभी ऊपर नहीं कर रही मैंने अभी मिलाया है और दोनों को उठाया है ये देखिए मैं अंदर इसको डाल रही हूँ और दोनों को ठीक है दोनों को ले रही हूँ साथ में आपने छोड़ना नहीं है इससे आपका क्या होगा कि फिर वो मसला होगा बंद सही नहीं होगा उसकी फिनिशिंग सही नहीं आएगी आप में से जिसने अब देखिए ये हमने मिलाया इधर धागा जो गैप था अगर आपने नहीं मिलाया होता हमने जो बीच में यहाँ गैप था वो बंद नहीं किया होता तो आप क्या करते दोनों की पॉइंट्स को उठाते बीच में गैप को वाइड करने के लिए आपको मैंने जो टेक्निक्स सिखाई हैं साइड सीने की और ये सब प्लीज़ उसको देखा करें अब फिर से मैं ये दोनों को ले रही हूँ ये देखिए मुझे नीचे से फील हो रहा है उंगली को तभी मैं इसको ले रही हूँ गलती से ताकि छूट ना जाए ये अब थोड़ा सा इसको खींच लेते हैं ठीक है अब देखिए ये इधर से बंद हो गया है हमने तीनों को बंद हम तीनों को बंद करते जा रहे हैं एक ये वाली लेयर और दो ये तीनों को आपने साथ बंद करना है ताकि इसका जो पेम्पर के नीचे वाला हिस्सा है वो टाइटली बंद हो जाए ये आपने दिमाग में बात रखनी है बच्चा पेम्पर पहनता है तो आप अगर छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं जो पैंपर पहनता है तो आपने साइज़ का ख्याल रखना है वहाँ से जहाँ से वो पहनता है पैंपर बाकी जो बच्चे पैंपर नहीं पहनते किसी बड़ी साइज़ के लिए बनाना चाह रहे हैं तो खैर खैर फिर आप उस हिसाब से नाप लेंगे कि क्या आपको नाप चाहिए और फिर उस हिसाब से बनाएंगे ये वाला पार्ट जो है ये वाला कॉर्नर वाला पार्ट आपको एहतियात से करना है मतलब ये वाला जो साइड है नीचे वाली अब देखेंगे कि हमने कहाँ तक मिला लिया है देखिए हमने यहाँ तक मिला लिया है अब खींचेंगे फिर से इसको सही से ताकि ये फिक्स हो जाए अब आपने जिस तरह से हम बुनते जा रहे थे उसी तरह बुनते जाएंगे दो यहाँ से लिए और ये आप एक दफा और इसको ले लें कॉर्नर ताकि ये फिक्स हो जाए एक दफा अब उसी तरह आप दो यहां से लाइनें उठाते जाएंगे और दो यहां से लाइनें जिस तरह हमने यहां से सिया था अगेन यू कैन यूज एनी मेथड ऑफ ज्वाइनिंग साइड्स यू नो और लाइक यहाँ से लेकर अब यहाँ तक हम इसको बंद कर देते हैं फिर मैं आपको आगे बताती हूँ यहाँ पे मैंने ये वाली साइड भी मिला दी है अब वेव इन बाद में कर लीजिएगा यू कैन वेव इन लेटर मैं अब थोड़ा सा बस आपको फोल्ड करके इसको दिखाऊँ उसके बाद फिर हम स्लीव्स करेंगे स्लीव्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि वीडियो लेंदी होने की वजह से एडिटिंग में प्रॉब्लम होती है तो आपको लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हुडी और ये वे बाद बात में कर लीजिएगा हुडी और स्लीव्स के लिए सही है इसको हाथ से आप शीलिंग शेप दे देंगे और आप डेफिनेटली आपने इसको वॉश भी करना होता है वॉश करके इसको शेप देंगे तो इसका बहुत प्यारा लुक आता है और मैं डेफिनेटली इसकी पिक्चर्स भी दे दूँगी बटन आप अपनी पसंद से कोई भी लगा सकते हैं मैंने यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच पांच बटन बनाए आप देखिए ये इस तरह होता है बच्चे को क्योंकि डेफिनेटली छोटा बच्चा जो होता है वो आसान नहीं होते उसको कपड़े पहनाने तो आप पूरे बटन्स खोल सकते हैं उसको कपड़े पहना के और नीचे बनियान वगैरह पहना के उसके बाद ये रोम पर पहना दिया अभी तक अगर आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और स्लीव और हुडी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें लिंक होगा या मेरी वीडियोज़ में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफिज़